साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल केवल स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। मैं आज आपको बताऊंगा कि पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को कंपरेटिव डिग्री में कैसे बदलते हैं। इसके पहले वाले पार्ट में हम लोग पढ़ चुके थे कि जो वर्ड होती है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव तीन प्रकार की होती है, पॉजिटिव, कंपरेटिव और सुपरलेटिव। जैसे पॉजिटिव में आपका टाल पॉजिटिव है और टालर इसकी कंपरेटिव और टॉलेस्ट जो है सुपरलेटिव। फर्स्ट वाले पार्ट में जा करके आप लोग देख लें। तो अगर हम पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को लिखते हैं तो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज़ करेंगे, कंपरेटिव सेंटेंस लिखते हैं कंपरेटिव डिग्री में लिखते हैं कंपरेटिव सेंटेंस तो हम लोग कंपरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज़ करेंगे। अगर सुपरलेटिव लिखते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं, इसमें जब वाक्य का स्ट्रक्चर इस प्रकार हो, सब्जेक्ट हो, फिर वर्ब टू बी हो, वर्ब टू बी में इस एम आर वाजवर आता है, उसके बाद में एज या सो आता है, फिर एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में रहेगा, फिर एज लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट। अगर इस प्रकार का सेंटेंस होगा तो कंपरेटिव डिग्री में बदलने के लिए जो लास्ट में है ऑब्जेक्ट है उसको शुरुआत में लिखेंगे, फिर उसके बाद में वर्ब टू बी यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। अगर हमारा ऑब्जेक्ट एक वचन है तो इस लगेगा, मतलब इसके अनुसार पाँचों में से कोई भी लगेगा। फिर अगर ऊपर वाले सेंटेंस में नॉट है तो नॉट हटा देंगे, नहीं है तो लगा देंगे। उसके बाद में फिर प्लस आप लिखेंगे एडजेक्टिव, और वो एडजेक्टिव जो होगी वो कंपरेटिव डिग्री में होगी, उसके बाद दैन लगाएंगे, उसके बाद ये शुरुआत वाला सब्जेक्ट लॉस्ट में ले जाएंगे। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स है। जैसे राम इज एज ड्यूल एज श्याम, यहाँ ड्यूल जो है आपका एडजेक्टिव है, ये पॉजिटिव डिग्री में है, इसको कंपरेटिव में चेंज करना है, सीडी में ले जाना है, सीडी फॉर कंपरेटिव डिग्री। तो ड्यूल का ड्यूलर होता है, तो अंतिम शब्द आपका क्या है, ऑब्जेक्ट जो है श्याम है, श्याम श्याम के अनुसार क्या लगेगा, यहाँ इज है तो इज लगेगा। फिर उसके बाद में नॉट नहीं है, इस वाले वाक्य में नॉट लगेगा, उसके बाद में ये ड्यूल का कंपरेटिव डिग्री जो है ड्यूलर हो जाएगा, डी यू डबल एल ई आर, फिर क्या है दैन लगेगा, फिर अंतिम वाला शब्द यहाँ लिखेंगे, तो अंतिम राम है तो राम लिखेंगे, ये आपका बन गया कंपरेटिव डिग्री। दूसरा यू आर नॉट एज गुड एज आई, अब आई आपका ऑब्जेक्ट है, इसको पहले लिखेंगे, अब यहाँ आर है मतलब प्रेजेंट में है तो इज एम आर में से कोई एक यूज करेंगे, अगर पास्ट में है तो वाज या वर में से, लेकिन प्रेजेंट है ना तो आई के साथ एम लगेगा, ये कंपरेटिव डिग्री बनेगी आई एम। अब नॉट है तो नॉट हट जाएगा, उसके बाद में फिर आपका क्या लगेगा एडजेक्टिव गुड, तो बेटर होगा, उसके बाद देन। अब इसमें यू है तो कंपरेटिव मतलब यू ही लिखेंगे, फिर है राम इज नॉट एज टाल एज हरी, तो अंतिम शब्द हरी, उसके बाद इज लगेगा, नॉट है तो हटेगा, फिर टालर होगा, देन उसके बाद राम,